मंत्री भाई, आप जानना चाहते हैं मैं किस लिए आपको बुलाई हूँ? हाँ महारानी। तो ठीक है मंत्री भाई, सुनिए। आदि हमारे मंत्री नहीं महारानी, किसी चीज की जरूरत आप में कमी नहीं है। परंतु आपको प्यार नहीं करूंगा महारानी, नहीं करूंगा। मान जाइए मेरी बात, फायदे में रहेंगी। नहीं महारानी, मान जाइए। नहीं महारानी, नहीं मानेंगे। नहीं महारानी, आई पंडित करिए नसीहत, आई को हम से ले चुके प्यार करने के लिए अब राजी हो जा, वरना मारी के कोहरे से अरे तेरा बदने लव लव न कर दूं तो राने नाम ना मेरा। आप जैसा सोच रही हैं वैसा मैं भी सोच रही हूँ कि अगर मुझसे प्यार नहीं किए आप तो आप इच्छाओं के लिए सकती हूँ। हंसते हंसते जाने दूंगा, परंतु आपसे प्यार नहीं करूंगा। ठीक है तो देती हूँ। दरबारी दरबारी काम मर जाती हूँ, काम मर जाती हूँ। दरबारी मंत्री से देखो मैं प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन ये है उसे प्यार करने के लिए तैयार नहीं। प्यार करना चाहता हूँ। हाँ दरबारी, प्यार करना चाहता हूँ। हाँ
हटी हम समझानी का ना प्यार करेंगे। ठीक है सर जाओ। मंत्री जी मंत्री जी महारानी तो प्यार कर जाती है प्यार कर नहीं राव कर पागल पहलवा अगर प्यार ना करवा तो महारानी मार दी महाराज अगर प्यार को लेवा तो महाराज जी ने वो मरवा दी सही है जब दोनों से मरा ही के हो तो ऐसा जवानी से प्यार ना के मरा राव कर तुम सच कह रहे हो इस तरह ही मरना है और इस तरह ही मरना है दोनों ओर से मरे के हो तो ठीक है रात हमारी बंद हो प्यार करने के लिए तैयार हो बात ये है महारानी क्या है दरबारी आप प्यार करो के दिक्कत ना आप खुल्लम खुल्ला प्यार करो दोनों दिक्कत ना हो तुम्हारी कहने का मतलब क्या है मंदिर तैयार हो गया प्यार करेगा सच हाँ प्यार करो जन छोटकी मशीन आ छोट मशीन पर Thank you.
अरे फसल 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 कदी फसल ए भाई हम कहाँ चल एलियो कहिए मन ग्रीवर राव दरबारी हां हम जा रहे हैं सौदे के लिए। अच्छा और तुम मित्र लगा दो। हां हां जल्दी आओ मिश्रा। क्या कर रहे हो? अच्छा ये बात है, खड़े हो जाओ। राज दरबारी ऐसा करो, गेट पे पहला ले रहा है। अच्छा अभी कोई आ जाए तो फिल्म किरजा देखे हूँ। आज किरजा फिल्म देख ले। किरजा फिल्म किरी दे। अच्छा तीर्थेव कहला। हाँ ओके हम तीर्थेव कहेंगे। अच्छा ये बात है। अच्छा बात है। अधिक कोई याद आया उसमें एक गाना है। कौन गाना? ओए ओए तिरछी टोपी वाले। अच्छा ओए ओए तिरछी टोपी वाले। हाँ बाबू भोले वाले। हाँ हाँ ओए ओए ये ने। हाँ इसी गाना को गाना हम तो उनसे गए और गेट लगा दो। मैंने ओए ओए करो। हाँ राज दरबारी तमने ओए कर तो तू भागेगा। हाँ हाँ राज दरबारी गेट लगाओ। राज दरबारी गेट दरबारी फसल वाकेले गेट लगाओ। कमा किया था कंजक लेना। अब आप लोग देखिए सामने बीमारी फैल महाराज भट्टरी प्यार ना कर देते मंदिर से प्यार करते। अब वो में हमको कहना सकते ओए ओए करी है मैंने हम अगोरिया लाल मैंने ओए ओए करते भक्ति है कभी ओए करो रुका कर पहले परीक्षा ले ओए करते भगत की ना भगत अगर ना भागी तो वो पकड़ाई मुंह पकड़ाई और खा कमार खाई मम्मी ने फैले मार खाई। ओए 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 क्या है बात है भाई? हर परीक्षा लेते हैं। अच्छा ये बात है अच्छी तरह से पैरा दे ठीक है। ठीक मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। हम तो ये कहते हैं भगवान इन्हें देखो मुच्छड़ ना काटे सुतले का सुतले रह जा सके तोरे मारा जाए तोरे पकड़ा जा सके।
हेलो आय रे तेरा होले मेरा दिया हो मेरा दिया होले मेरा दिया बोले गजब हो गए ओ कहो कहिया भगवो ना कहिला आ हम तो फसल बाड़ी अगर वो पकड़ाई तो मोहू पकड़ाई ए बाबू एक तरह सुने लगा ना सुन ले अब तरह ये कौन सी गीत गा रहे तिरजा दिल का तरह सुन ले तिरजा नहीं तिर दे हां तिर दे का तरह सुन ले नहीं तो सुनाई सुना रुका हम गनवाए पर अंतरवा का दिखाई दे तो फिर से भाग जाएंगे तो हमके ठीक है अरे उठ रे उठ रे भाग के ही तो
तो कोई में दोनों को तूने चुप कर तूने अभी कुछ देखा? हम ना कुछ देख लिए, कुछ भी नहीं देखा। हाँ बोला। ये भाभी के कमरे में यशपाल मंत्री क्या कर रहा था? भाभी के कमरे में यशपाल मंत्री? हाँ दादा। चुप रहा। काला तो कहिया मैं चुप रहा। क्यों दादा? तेरी घर पर इज्जत है? एक काम करो, जाओ महल के अंदर देखो कि भाभी सोई है कि दूसरा कोई सोया है। हाँ बिना पता लगाने के क्योंकि लक्षणा ना लगाई। ठीक है दरबार, जाओ पता लगा करो। चला चला जाते, चला भैया मौका मिला हमों के सुत्ते भर के, हमों चला सुत्ते ये लेके हम मार खाए तो हम बिना खेले थोड़े मार खाए, हम आराम करो। द्वारपाल, अरे वो द्वारपाल, अरे द्वारपाल, क्या कर रहा है? अब ये तेरे आगे गेटवा खोलत रहले। क्या गेटवा खोलत रहे? तोरे बुलावे लगला। अभी ज्ञान नहीं था। अब ये तो जात रहले गेट खोलत रहले। डाल पर मैं तुमको कह रहा हूँ कि जाओ मेरे संदेशा पहुँचाओ। और तुम कोई ना कोई पत्ते बनाते जा रहे हो। अगर मेरा क्रोध भड़क गया द्वारपाल, तो मैं इतनी मार मारूंगा तुझे, इतनी मार मारूंगा द्वारपाल, जाओ जल्दी पता लगा करो। कब से घटा से चिल्ला थे कि बाबू आलम बाबू आलम तू समझा नुकाना जगाओ के हम को ना जाके देखा के हंसके ना अगर महारानी पकड़ैली हम तो तोहू को पकड़वा दे। नहीं सुन लिया पहले हम के मरबू तभी जाके कह दे। आज अपने में समझ लिया लोग हमार नाम आवे के ना चाहिए। जा तोर भौजी रही है घरों में सुतर रही है जा उनसे मिल ला। भौजी क्या भाभी सोई थी? तुम्हारे भौजी ये रही अम्मा। अब तू जो विश्वास करा चाहे मत करा उनके जगह क्या होते। ठीक है दादा। अरे धोरी अम्मा आप हाँ भाभी आप अपना आवाज क्यों हो रही है? क्यों मुझे अभी नहीं आना चाहिए था ना?
क्या नहीं देर बाबू ऐसी बात क्यों कर रहे हो? एक बात पूछे ये बताइए आपके कमरे में यशपाल मंत्री क्या कर रहा था? मेरी कमरे में अरे यशपाल मंत्री हाँ बाबा अरे ये बाबू यशपाल मंत्री मेरी कमरे में क्यों आएगा? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर यशपाल मंत्री आपके कमरे में क्यों जाएगा बताइए भाभी। आपका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है भाभी कि आपके कमरे से यशपाल मंत्री भागते हुए जा रहा था और मैंने अपने आंखों से देखा। एक कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो छोटा कुछ भी लाछा लगा रहे हैं। अच्छा तो मैं आप पे झूठा लाछा लगा रहा हूँ? नहीं तो क्या देर बबुआ, अभी भी तो मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, साफ साफ बतला दीजिए इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा बात अगर भैया तक पहुंच गई तो सोच लीजिए आपका क्या हासिल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं भाभी कि आप साफ साफ बता दीजिए कि आपके कमरे में यशपाल मंत्री था या नहीं था। मुझे क्षमा कर दे देर बबुआ, मुझसे गलती हो गई देर बबुआ, मुझे क्षमा कर दे। क्या है? हाँ देर बबुआ, इसका मतलब मैंने जो देखा वो सही है? हाँ देर बबुआ। क्यों भाभी, आखिर मेरे भाई से कौन सा गुनाह हो गया था? आखिर मेरे भाई से कौन सा गुनाह हो गया था भाभी जो तूने मेरे भाई के भवन में दाग लगा दिया? अरे भाभी मेरे भाई को आपसे बहुत प्यार करता थे लेकिन उनके प्यार को एक मिनट में ठुकरा दिया। अरे भाभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी। अब तो जो होना था हो गया, अब मैं दोबारा ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी देर बबुआ, बस एक बार मुझे माफ कर दो। ठीक है भाभी, ये आपकी पहली गलती है जो माफ की जा रही है, आइंदा दोबारा ऐसी गलती हुई भाभी तो मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं भैया को अवश्य बतलाऊंगा। लेकिन भाभी आज के बाद ऐसी दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है देर बाबा, ऐसी गलती फिर दोबारा कभी नहीं करूंगी। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ अपने भाई से मिलने के लिए। ठीक है देर बाबा, सुनो। कहिए भाभी। एक तो मुझे बताओ इतनी रात गई कहां से आ रहे हो आप? मैं जंगल में गया था शिकार करने के लिए और शिकार करता करता इतना देर हो गया और मेरे भाई मुझसे कहे थे कि मुन्ना जब भी शिकार करके आना तो एक बार मुझसे जरूर मिलना, इसी में भैया से मिलने के लिए चला आया। भैया तो यहां मिले नहीं, मैं जा रहा हूं भाई से मिलने के लिए। देर बबुआ एक बात कहूं? कहीं भाभी क्या गाना चाहता? देर बबुआ देखो इतने दिनों से मैं गांव पर आकर आई हूं लेकिन अपने हाथों से तुम्हारी सेवा भी नहीं की, क्या अपने हाथों से सेवा करना चाहते हो? सेवा का अवसर मिलेगा? सेवा
हाँ दे भगवान। कैसा स्वभाव अभी? देर भगवान, मैं अपने हाथों से तुम्हारा वस्त्र धोना चाहती हूँ। वस्त्र धोना चाहते? हाँ दे भगवान। परंतु भाभी, हमारे राज्य में इतने नौकरों को रहते हुए मैं आपसे अपना कपड़ा धुलवाऊं ये सुभा नहीं देता भाभी। देर भगवान, क्या मेरी लालसा दिल में की दिल में रह जाएगी क्या? ऐसा मत कहिए भाभी, अगर आपकी यही इच्छा है, अगर आप मेरा वस्त्र धोना चाहती हैं, तो ठीक है भाभी, ये लीजिए मेरी सदरी और इसे साफ करकर ये सदरी मुझे साफ कर दे दीजिएगा। ठीक है देर भगवान दीजिए। और एक बात और है भाभी, इस सदरी में साफ करके स्त्री लगा दीजिएगा। ठीक है देर भगवान। आ देर भगवान, तुम्हारी कटार में कितने जंग लग चुके हैं, तीन लाख शिकार शिकार करते रहते हो, एक बार मुझसे शाम भी नहीं करवाते। कटार में जंग लग गया? आ नहीं तो क्या, देखो उसकी दाल कितनी मोटी हो गई है। ठीक है भाभी, मैं जाकर लोहार से इसमें धार लगवा ले आऊं। देर भगवान, मुझे दे दो, मैं धार लगवा दूंगी अच्छी तरीके से इसमें। क्या आप धार लगवाएंगी इसमें? आ नहीं तो क्या। ठीक है भाभी, अगर आप इसमें धार लगवाना चाहते हैं तो ये लीजिए मेरी कटार और इसे धार लगाकर ये दोनों एक साथ में शाम को दे दीजिए। ठीक है देर भगवान, शाम तक मिल जाएगी। ठीक है भाभी माँ, मैं चलता हूँ। भाभी माँ के चरणों में भी कृपा करो। देर भगवान, मुझसे चला के दिखा रहा था, तुझे तो ऐसी मौत मरवाऊंगी, ऐसी मौत मरवाऊंगी कि पानी भी नहीं मांगेगा हराम चाहे। हो सकता है किसी ना किसी दिन अपने भैया से जाकर कहेगा मेरे अवमंत्री के बारे में कि मैं इससे पहले मैं चल फिर जाऊं। दरबारी दरबारी क्या बात है महारानी? दरबारी जाओ, बहन से मंत्री को बुला कर लाओ। ठीक है मैं भी बुला कर ला रहा हूँ। बहुत चल चल मंत्री भाई, क्या ये बात आप चाहते हैं? क्या महारानी? यही कि देर बाबा हमें साथ में देख लिया सोते हुए। क्या बिकरवा भी तुमने लोग को देख लिया? हाँ। और क्या होगा महारानी? देखो चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसके सदरे फेटा कटा ले चुके हूँ मैं, मेरे दिमाग में बात आ रही है। क्या महारानी बताइए? क्यों ना चलो वो पौन और अपने देर बबुआ को चांद से मरवा कर इस राजमहल से निकलवाऊंगा। मैं जाऊंगी कुपोन और आपको बस छोटी सी काम करनी होगी। कौन सा काम करना है महाराज? काम यही करना है कि जब मेरी स्वामी रात आएंगे उनसे आप कह दीजिएगा कि देर बाबा मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। ठीक है महारानी, जैसे कहोगे वैसे मैं करूंगा। ठीक है तो जाइए महारानी की जय। दरबारी कही महाराज, एक काम करोगे? करवाई दरबारी काम नहीं करनी। कौन काम करेगी? कि जब मेरे स्वामी नाथ पूछेंगे तुम कह देना
कि देर बाबू मेरी जीत के साथ खिलवाड़ किया है। महारानी हम झूठ तो ना बोले कब मेरे लिए नहीं बोल सकती एक बार। अरे तो अरे बोले कंका तो झूठ तो वो बोले नहीं नहीं अगर महाराज झूठ बोले तो कहिए कि तुम तो मेन गेट पर आते हो कैसे तुम देखेंगे। कहते ना किसी काम से गया था कोई भी बहाने कर देना है या खाना लेकर गया था ऐसे कोई भी बहाना कर सकते हो। पूरा अंत फंसा ले हो अब हम खाना तो अकेले के जाए के लेके जाए हम तो ये का हमारा निर्णय कि झूठ तो हम ना बोलो और हम बोल दे कि जाओ महल से दासी को बुला कर लाओ। ये बात सही कर लो और सुनो ऐसे माने बाजे नहीं चलेगी उसके बदले तुम जो भी चाहोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मैंने झूठ बोल ले मैं जो मांग तुम दे दे। हाँ दरबारी तुम्हें झूठ बोलना है तो झूठ बोल ले मैं महारानी अगर हम झूठ बोले तो अगर मांग तो देबू हमके जरूर नहीं ऐसी कई बात नहीं बतलाओ क्या चाहिए। झूठ बोलने क्या तो हमारा नहीं क्या चाहिए क्या चाहिए मांगे कि ना मांगे अरे बतलाओ झूठ बोलने में मारा नहीं जाते हो क्या चाहिए क्या चाहिए हमके गोल की चाहिए हाँ राम चादी एक गोल की क्या होती है। अरे महारानी गोल की का मतलब ना समझ लू है नहीं अब तो अपना किया में गोल खंपा हिले है तू है हमारे मलकुनिया मंगल है नहीं भगवान तो तुझे ये कहना चाहिए ना कि हमें सिर्फ नथनी चाहिए। हाँ नथनी के गोल की निकाहिला हाँ इसे नथनी कहा जाता है। अच्छा हम उनके गोल की कहेगा चलिए ठीक है नथनी अब से कहा है चाओ दासी को भी चाओ ठीक है भेजे बहुत चल क्या कर रही हूँ दरबारी मैं पलट हुआ दासी बन जो सरवा महारानी की जय हो जय हो दासी। हाँ महारानी एक काम करोगे मेरी आप कहें भला मैं ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता महारानी। दासी बस छोटी सी काम है काम छोटा हो चाहे बड़ा हो करना तो पड़ेगा ना इत तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो लेकिन दासी तुम्हें बस यही काम करना है कि जब मेरी स्वामी ना आए उनसे तुम कह देना कि देर बाबा मेरी जद के साथ खिलवाड़ किया तुम खुद देखे हो कह दोगी ना एकदम टेंशन मत ले ठीक है तो चल तो मैं तो झूठ बोलते नहीं आके आके रहते हो ना वही मैं चाहती हूँ कि तुम आगे हमेशा रहो लेकिन जल्दी उठो ऊपर और नकली फैला कर सोंगी जब मेरे सामने ना आएंगी उनसे छोटी छोटी बात कह रहा हूँ कि देर बाबा मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तो देखते हैं तुझे कौन बचाता है। अरे दुनिया वाले रानी पिंगला अरे दुनिया वाले रानी पिंगला चाल देख अरे दुनिया वाले रानी पिंगला के चाल देख ना बाजू पे ठोक बल पे आ बैठ बल पे
चटियों को और नखरे फैला पूछूंगी। जब मेरे स्वामी ना आएंगे इनसे छोटी छोटी बात ले रहा कि देर बबो मेरी जिद के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन एक मेरे मन पर शिकायत है बस सा देखा था।